गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी आ गई है। क्या है इस मूवी में देखने लायक, हम थोड़ा सा आपको बता सकते हैं, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, बाकी मर्जी है आपकी, हम कौन सा होते हैं आपको रोकने वाले। तो अगर आपने पहली दो मूवी देखी होंगी तो इसमें सबसे हाईलाइट जो चीज होती है वो यही है कि इसमें जो कॉमेडी की जाती है वो सबसे मजेदार होती है। खासकर रॉकी, ग्रूट और हमारे जो बटिस्टा साहब है उनके जो करेक्टर है वो खूब कॉमेडी करते हुए दिखते हैं। बटिस्टा साहब को एकदम मंदबुद्धि दिखाया गया है शुरू से ही, और यहाँ पर उनका वही मंदबुद्धि होना लोगों को इम्प्रेस कर जाएगा। बाकी ये पूरी मूवी रॉकेट के आसपास ही घूमती है। इस मूवी में जो भी होगा वो रॉकेट के चलते ही होगा। इस मूवी की शुरुआत ही रॉकेट की कहानी से होती है, जहाँ पर उसके पास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि भाई साहब वो कैसे रॉकेट बना, कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट किए किसने। है एक बंदा जो घोस्ट राइडर की तरह दिखता है, आप समझ जाओगे अगर आप मूवी पूरी देख लोगे कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि वो घोस्ट राइडर की तरह दिखता है। हाई रेवोल्यूशनरी उसका नाम है। बाकी जेम्स गन, उन्होंने एक बार फिर इस मूवी को खतरनाक और लोकप्रिय बनाने की पूरी कोशिश की है, जहां पर हमको एक अलग दुनिया दिखाई जाती है हाई रेवोल्यूशनरी की तरफ से, जो अर्थ की एकदम कॉपी है। ये मूवी आपको रुलाएगी, हंसाएगी, मजा दिलाएगी, कॉमेडी कई जगह पर काम करेगी, कई जगह पर काम नहीं करेगी, पर इमोशनल आपको बहुत जगह पर ये करेगी बीच बीच में, इतना कंफर्म है। थोड़ा सा लव ट्रायंगल भी आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि बनता बनता रह जाता है। और साथ में ये भी आपको जानकर दुख तो होगा कि ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 था और ये आखिरी था, इसके बाद हमको ये टीम नहीं देखने को मिलेगी। टीम क्या, इसमें से एक ही कैरेक्टर है जिसके बारे में ये कन्फर्म किया गया है कि वो हमको आगे वाली मूवीज में देखने को मिलेगा, और किसी भी कैरेक्टर के बारे में कन्फर्मेशन नहीं है। और वो कैरेक्टर कौन सा है ये भी आप पोस्ट क्रेडिट सीन में देखोगे तो आपको समझ लग जाएगा। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम अपने एक ग्रह पर मस्त चिल कर रही होती है, तभी इंसान अपने माथे पर टिकुली लगाकर उड़ता हुआ आता है। वो इस मूवी में क्यों है, उसे क्या फायदा होने वाला है और उसे क्या नुकसान हुआ, इस चीज का हमको मूवी के शुरुआत में और लास्ट में पता लग गया, फायदा नुकसान दोनों। पर फिर भी मैं कहूंगा कि उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाया इस मूवी में, और अगर फ्यूचर में वो किसी मूवी में नहीं दिखने वाला तो वो बिल्कुल बेकार है सच में। ट्रेलर, टीजर और जो इसके छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए जा रहे थे मार्वल की तरफ से इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, पूरी तरह से उसमें यही देख कर पता लग रहा था कि आखिर में कोई ना कोई बंदा तो जाएगा इस टीम से, पर एक नहीं बहुत से बंदे जा रहे हैं। इतने सारे कैरेक्टर को इतनी सिंपल तरीके से हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है, और जेम्स गन ने इस काम को अच्छे तरीके से किया है। हर एक कैरेक्टर को उसका महत्व दिया है, ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर पर फोकस कर लिया बाकी सब चने बेचने चले गए, नहीं, सबको महत्व दिया गया है। यही तो इस मूवी की खासियत है। घुमोरा हमको इस मूवी में देखने को मिली है, घुमोरा और लॉर्ड स्टार्क के बीच में वो झोल मोल फिर देखने को मिला है। मूवी आपको बहुत जगह पर रुलाएगी, बहुत जगह पर बीच बीच में। और रॉकेट की स्टोरी वो तो आपको अंदर से हिला के रख देगी। 2.5 घंटे की मूवी देखने के बाद यही लगा कि ये भी मार्वल की वो मूवी नहीं है जिसको देखकर हम कह सके कि वाह यार अवेंजर एंड गेम के बाद वही वाला स्टैंडर्ड वापस आ गया। नहीं, अभी मार्वल अपने उस पुराने टच को अचीव नहीं कर पाई है, उस पुराने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाई है जिसकी उम्मीद मार्वल के सभी चाहने वाले कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ी सी कमी है। मूवी देखिए, अभी स्पॉइलर देने का कोई फायदा नहीं है, स्पॉइलर आपको मिलेगा कल या परसों की वीडियो में, बाकी एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।